फलसूंड 10 मई 2024 को जनसेवा समिति जैसलमेर व आदर्श विद्या मंदिर फलसूंड के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। प्रवक्ता अमृत भूतरा ने बताया कि सेठ अज्ञाराम टावरी नेत्र जांच केंद्र पंचायत भवन फलसूंड में शुक्रवार को आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 36 मरीजों की आंखों की जांच ऑटोमेटिक जापानी मशीन द्वारा परामर्श दिया गया। उसमें 5 मरीजों के मोतियाबिंद पाया गया। जिन मरीजों में मोतियाबिंद पाया गया है उन्हें 25 तारीख को जनसेवा समिति जैसलमेर में लगने वाले निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में नेत्र लेंस प्रत्यारोपण के ऑपरेशन करवाने की सलाह दी गई और कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करने का कहा गया। बताने की समिति अध्यक्ष डॉक्टर दाऊलाल शर्मा ने बताया कि जनसेवा समिति द्वारा हर महीने की 25 तारीख को आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में मोतियाबिंद के लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन दवाई काला चश्मा आदि निःशुल्क किया जाता है। शिविर में सेठ ताराचंद्र टावरी केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण गौतम सरपंच रतन सिंह जोधा सवाई राम कडवासरा जसवंत गौतम ने सेवाएं प्रदान की। समिति सचिव मांगीलाल टावरी ने इस शिविर से अधिक लाभ लेने की अपील की। सुमीर दादिश की।